बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई वो है मूली के पत्ते का साग बनाने की रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये मैंने मूली के दो पत्ते की पूली ली है। हमारे यहाँ पे इसको काची मूली बोलते हैं। और ये मैंने पालक लिया है। मूली और पालक को हम क्या करेंगे, अच्छे से साफ करेंगे और फिर इसको अच्छे से वॉश करेंगे। 4 से 5 पानी से मैंने वॉश किया है और दोनों को साथ में ही ऐड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, पैन गरम करेंगे। इसके अंदर हमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड करना है। तो ये देखिए, मैंने इसके अंदर इसी मेजरमेंट से ऑयल ऐड किया है। जब हमारा ऑयल अच्छे से हीट हो जाए, हमें 7 से 8 लहसुन की कलियाँ लेके उसको चॉप कर लेना है बारीक और ऐड करना है। ये सुनहरी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर पालक और जो हमने पत्ते वाली मूली ऐड कर देना है और इसको 1 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई करेंगे। तो इस तरीके से इसको मैंने फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। हम इसके अंदर नमक ऐड करना है। अभी इसके अंदर पानी अभी ऐड नहीं करना है। ये मैंने 1/2 टीस्पून नमक ऐड किया है। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करना है। ये देखिए, इसके अंदर पानी अपने आप निकलने लगा है। इसके साथ ही 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। इनको भी मिक्स करेंगे और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करना है। ये सर्दियों में बहुत ही स्वादिष्ट और मज़े की लगती है। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको ढक के पकाएंगे। इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। 5 मिनट पे लो फ्लेम पर पकाएंगे। अब हम गैस को बंद करते हैं और एक दफ़ा इसको चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा साग बनके तैयार हो गया है। अब मैं आपको इसको सर्व करके बताती हूँ। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा? हमारे मूली पत्ते का साग बनके तैयार है। आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाजरे की रोटी के साथ गर्मा गर्म खाइए सर्दियों।